ये पंक्ति दर्शन करिए, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे, कलिमल मनोमल कलिकाल के कलमशी मल और मन में बैठे मल को बिना श्रम के बिना यत्न के धोकर, ये बिना श्रम के धुल जाता है। अब बिना श्रम के ही राम परमात्मा के परम धाम प्रस्थान कर जाते, कथा सुनने मात्र से, कथा गाने मात्र से, कथा कहने मात्र से कितना बड़ा लाभ है। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं, कथा में कुछ नहीं लगना है। बाबा कहते हैं देवी, भगवान की कथा साक्षात कामधेनु है। ऐसा कौन है जो मृत्युलोक में अथवा देवलोक में इसका श्रवण नहीं करेगा। जे गावहि यह चरित समारे, ते यहि ताल चतुर रखवारे, कथा को कहहि सुनहि अनुमोदन करे, भव पारिद गोपद उतरे, गिरिजा राम कथा में बर। क्या है? स्वमत बिलास त्रास दुख, ये बुद्धि को सहज बना देती है, भगवान की ओर रमा देती है। परमात्मा ने दूसरी भक्ति कलम ने आपको स्मरण कराया था, दूसरी रति मम कथा, भगवान की कथा श्रवण करने में हमारी रति हो, प्रीति हो, ये दूसरी भक्ति हमारे में दृढ़ हो जाए। छोटा बच्चा अथवा बूढ़े बाबा कोई भगवान की कथा श्रवण करे उसका कल्याण निश्चित। बाबा तो कहते हैं, राम चरण रति जो चह यथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, राम जी के चरणों में अनुराग प्रीति प्रेमावस्था की दृढ़ता चाहिए अथवा मुक्ति चाहिए, मुक्ति भी चाहिए तो कथा सुनने मात्र से उसके सोपान प्राप्त हो जाते हैं। श्रवण करना साहब, बहुतों का कल्याण कर देती है कथा। आप कहेंगे कि किनका किनका कल्याण हुआ, एक लंबी सूची है साहब। कल्याण न होता तो लोग श्रवण ही क्यों करते। प्रातस्मरणीय परम भागवत, भागवत जी के निष्णात प्रवक्ता पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज अपने आश्रम पर विद्यार्थियों को बुलाकर श्री रामचरित मानस जी की गाथा श्रवण किया करते थे। सारे ग्रंथ कंठ में थे श्री महाराज जी के, तो किसी महापुरुष ने उनसे पूछा, आप गीता भागवत जी के इतने बड़े विद्वान हैं और आप ये रामायण की चौपाइयां श्रवण कर रहे हैं विद्यार्थी जी से। श्री महाराज जी ने कहा, महात्मन, बहुत सारे फल टोकरों में रखे हूं और सभी फलों का मिला करके जूस रखा हो तो अलग अलग फल काट काट खाया जाएगा कि जूसे एक गिलास पा लिया जाएगा। श्री महाराज जी की ऐसी निष्ठा
उसी की प्रतिष्ठा मानस। आप कोई प्रश्न लेकर खड़े हो जाएंगे, ये बाबा ने इसमें निष्ठा पूर्वक एक बड़ी सुंदर बात कही, समरे शिवा शिव पाई पसावो, समरे शिवा शिव पाई पसावो, बदन राम चरित चित जा, अंताक्षरी प्रोग्राम में हम गए थे एक विद्यालय में, बच्चे बड़े अच्छे थे, एक बच्चा उसमें बहुत बुद्धिमान था, उसने चौपाई बना लिया, राम राम कहु बारह ही बारह, चक्र सुदर्शन है रखवारा। हमने कहा बेटा बनाए तो बहुत अच्छा, लेकिन किस कांड में है? बोला रामायण में है। हमने कहा इसको आधार नंबर तो दे डालो, हिम्मत से मेरे से कह रहा है, वो हिम्मत बनाया। देखिए बच्चे, कहने का भाव ये है, चाहे जो न बनाया जाए, कलयुग केवल है राम आधारा, सुमर सुमर निरवतर ही पारा, कहाँ है? रामायण में है। अरे भैया ये साधु संतों की कृपा है, जीव को समझाने के लिए संतों ने कुछ कथाएं रच दी है कि जीव को समझ में आ जाए। श्रीमद् भागवत की महात्म में लिखा है, वक्ता को ये अधिकार है कि वो यदि आध्यात्मिक चेतना से समन्वित पौराणिक कथाओं को श्रोता के हृदय में न उतार सके तो किसी न किसी दंत कथा के माध्यम से अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन कितना न समझ में आवे तब दंत कथा नहीं, राम कथा, भगवान की कथा। आजकल तो भागवत कथा केवल कृष्ण कथा के नाम से चल पड़ी है, ऐसा नहीं है। भागवत जी के दशम स्कंध तक तो केवल पुरुष तत्व प्रकृति विहार व्यवहार भारतवर्ष सारे जितने भी सृष्टि में उपादान उपक्रम है सबकी चर्चा है। नवम स्कंध तक भगवान कृष्ण की चर्चा नहीं है, लेकिन अब खांसो नहीं तो नाव डूबेगी, खसला की फसला। अब इनसे पूछे को, अरे यजमान भी बड़ा शांत रहता है, महाराज बहुत सुंदर सुनाए महाराज, लेकिन ध्यान रखना, अब कहना नहीं चाहिए, यदि ग्रंथ के साथ हम न्याय नहीं करते हैं तो इसकी सजा वक्ता को ही प्राप्त होती है, यजमान से उसका कोई लेना देना नहीं।
गणित के गुरुजी गणित पढ़ावें, इतिहास के गुरुजी इतिहास पढ़ावें, संस्कृत के विद्वान आचार्य संस्कृत पढ़ावें, और संस्कृत पढ़ावें तथा सुसंस्कृत रहने का भी अभ्यास करें। ये सबके लिए अनिवार्य उपक्रम है, जीना चाहिए।